अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने रिंग लाइट मंगवाई है, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमारे साथ रिंग लाइट के साथ साथ क्या रिसीव हुआ है। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं, आइए। तो यार मैं अगर रिंग लाइट की बात करूं तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, 1 kg से भी ज़्यादा वेट लग रहा है। तो वेट ज़्यादा है तो सामान भी इसके अंदर जाहिर सी बात है ज़्यादा ही क्वांटिटी में होगा। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। 1, 2, 3। ओ ज़बरदस्त। तो पहले बात करते हैं रिंग लाइट की। रिंग लाइट ये नहीं देखिए, ये रिंग लाइट है और ये इसका कंट्रोलर है। तो पहले बाद में ऑन करेंगे, पहले सामान देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। इसकी ये नोटबुक है जो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे तो नहीं पढ़नी क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि क्या क्या इसमें आएगा। इसके साथ एक और बॉक्स आया है। इस बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके साथ एक होल्डर आया है जिससे मोबाइल कनेक्ट होगा, और इसके साथ ये आया है, और ये इसके साथ ये इसके यहाँ लगेगा और ये इसके अंदर। बाद में हम फिट करेंगे, पहले सारा सामान देख लें। और इसके साथ ये आया है ब्लूटूथ रिमोट जो आईफोन और 100 मोबाइल में दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। आप इसकी मदद से रिंग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ एक और बॉक्स है, और ये रिंग लाइट का स्टैंड है। इसकी हाइट 5 मीटर से 10 मीटर आई थिंक इसकी होगी। इसके साथ ये आई है। अगर आपकी हाइट के हिसाब से ये आपको पूरी नहीं आ रही तो आप इसके अंदर एक और प्लस करके हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो रिंग लाइट के पहले कलर देखते हैं, इसके बाद हम फिटिंग करेंगे रिंग लाइट की। ये प्लस माइनस और बीच में ऑन करने का दिया है, और इसका नीचे RGB कलर कंट्रोलर का है, और इसके बाद कलर चेंज करने का है। तो इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कलर माइनस करें और इसमें कलर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कलर हैं इसके अंदर। इसके अंदर 8 कलर आए हैं। अब हम इसे पहले ऑफ करते हैं। इसके बाद ये जो आपको होल्डर नज़र आ रहा है, और ये देखें, ये सबसे पहले इसके नीचे क्लिप लगा हुआ है, इसे हम हटाएंगे। और इसके ये देखें, यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के साथ इसको जॉइंट करना है। इसके बाद ये इसका होल्डर है, होल्डर के अंदर इसके अंदर ये जाएगा, इसका क्लिप जाएगा, और इसके बाद यहाँ तक फिट हो गया। अब आप जिस एंगल में इसको मूव करना चाहें तो ये उस एंगल में मूव होगा।
इसके बाद हम स्कैम की बात करेंगे। तो मैंने इसके सारे पॉइंट खोल दिए हैं और सारा जॉइंट कर लिया है। अगर आपकी हाइट इसके मुकाबले में कम है तो आप इसके अंदर एक और प्लस कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, और जो पॉइंट है और इसको एडजस्ट करके आप पॉइंट प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद रिंग लाइट, रिंग लाइट बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसमें हम मोबाइल लगा के देखते हैं कि ये कैसी वीडियो क्वालिटी दे रहा है। यार अब देख सकते हैं कि मैंने रिंग लाइट के साथ मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है और अब वीडियो क्वालिटी देखें कैसी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट करें और मिस्टेक बताएं कि मेरी क्या क्या मिस्टेक थी। और बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।